सबको नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेस विद राजेश गौड़ में तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 11th का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये जो है 9th में भी है स्टार्टिंग में, तो हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो इसमें एक ग्रीक वर्ड है आपका जिसे कहा जाता है एटामियो। इसी एटामियो से बना हुआ है आपका एटम, और एटामियो मीन्स होता है अन आपका कटेबल, या कह सकते हैं आप अन डिविजिबल, मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसका हम डिवाइड न कर सके, जिसको काट न सके, मीन्स ये कहा गया अविभाज्य न कटने वाला पार्टिकल है जिसका नाम रखा गया आपका एटम। तो ये आपका जो एटम है ये ग्रीक वर्ड आपका एटामियो से मिलकर के बना है, जिसकी मीनिंग है अनकटेबल और अनडिविजिबल। वर्ड एटम मेड अप ग्रीक वर्ड एटामियो मीन्स अनकटेबल और अनडिविजिबल। एटम व्हाट इज द एटम, माइन्यूट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, माइन्यूट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट पार्टिसिपेट एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शंस नोन एज एटम। तो ये ऐसा एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, आप कह सकते हैं माइन्यूट पार्टिकल है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे एटम कहा गया। बात कर लेते हैं हम 19th सेंचुरी की, अकॉर्डिंग टू डाल्टन डाल्टन के अकॉर्डिंग जो बताया गया वो बात किया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। तो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी में बताया गया, डाल्टन ने बताया 19th सेंचुरी में कि ये एलिमेंट जो है ये किसी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट न कटने वाला अनडिविजिबल आपका पार्टिकल है। तो इन्होंने डिफिनीशन दिया स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, ये किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो डिवाइड नहीं होता है, जो डिविजिबल नहीं होता है वो कहलाता है आपका एटम। ये बताया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद बात करते हैं हम 20th सेंचुरी की, इसमें आते हैं आपके जे जे थॉमसन, सर जेम्स चैडविक, या आपका मैडम क्यूरी। ये मैडम क्यूरी ये सब जो है बताते हैं नहीं, एटम को जो है डिवाइड किया जा सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल्सों में ये डिवाइड हो जाता है, और उन पार्टिकल्सों का नाम लिखा गया है आपका
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन, सर जेम्स चैडविक एंड मैडम क्यूरी, ये जो आपका एटम है इसे स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्सों में डिवाइड किया जा सकता है और ये कहलाया है आपका इलेक्ट्रॉन, कहलाया है आपका प्रोटॉन और कहलाया है आपका न्यूट्रॉन, जिसमें एटम को डिवाइड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी और तमाम पार्टिकल्स थे, जैसे आपका पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, या नाम है आपका मेसान, ये सब भी आपके पार्टिकल हैं। तो बताया गया कि ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हें दो कैटेगरियों में डिवाइड किया गया और एक कैटेगरी आपका फर्स्ट बनाया गया है आपका, जिसे कहा गया फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल या इसे कहा गया है आपका स्टेबल पार्टिकल। तो फर्स्ट नाम मिलता है आपका फंडामेंटल पार्टिकल और स्टेबल पार्टिकल, और सेकेंड मिलता है आपका अनस्टेबल पार्टिकल। तो ये आपका फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अनस्टेबल पार्टिकल है आपका पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान है, ये सब है आपका है अनस्टेबल पार्टिकल्स। तो बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल की। फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है ये क्या है, दीज टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दीज टाइप ऑफ पार्टिकल्स मेड अप फॉर्म्ड, कह लीजिए आप फॉर्म्ड बाय एनी सब्सटेंस आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम आर सब्सटेंस कॉल्ड आपका फंडामेंटल पार्टिकल। व्हाट इज द फंडामेंटल पार्टिकल, ऐसा ये पार्टिकल्स है जो किसी भी सब्सटेंस का निर्माण करता है, किसी भी सब्सटेंस को बनाता है, एटम को बनाता है। ये जो भी मैटर्स हैं जो उनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मेन एलिमेंट हैं, मेन केमिकल कंपोजिशन है, वो कहलाता है आपका फंडामेंटल पार्टिकल। और ये फंडामेंटल पार्टिकल आपके हैं थ्री, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब बात हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करते हैं हम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले बात करते हैं हम गैसेज आर इंसुलेटर
इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक, ये जो आपके गैसेज हैं इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रिक के होते हैं इंसुलेटर। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद की बात करते हैं, तो बताया आपका गेसलर ने बताया और पस्कर ने है, तो गेसलर ने बताया कि अगर हम प्रेशर को मिनिमम कर दें तो उस कम प्रेशर पर जो है आपका गैसों में इलेक्ट्रिक फ्लो किया जा सकता है, अर्थात जो है ये गैसें इलेक्ट्रिक की गुड कंडक्टर होती हैं। तो यहां हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गेसलर, गैसेज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक एट मिनिमम प्रेशर लाइक 10^-2 से 10^-3 mmHg। अगर हम प्रेशर को बहुत कम कर दें 10^-2 से 10^-3 मिलीमीटर पारे के प्रेशर के बराबर कर दें, तो गैसों में जो है इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकता है। इतने प्रेशर पर सर विलियम क्रूक्स एंड जे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट क्या किया है आपका, इन्होंने लिया एक, ये है आपका, इन्होंने लिया एक डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक ट्यूब, तो ये बन गया है आपका, लिख लेते हैं डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक ट्यूब। इस डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक ट्यूब में गैसों को फुलफिल किया, ये हो गए गैस, इसमें इन्होंने दो इलेक्ट्रोड बनाया, ये दो हो गए इलेक्ट्रोड, यहां एक इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं माइनस, इसको लिख लेते हैं प्लस, प्लस का नेमिंग एनोड और माइनस को कहा जाता है आपका कैथोड। इसे जोड़ दिया गया, इसे हम ऐड कर देते हैं, हाई पोटेंशियल सोर्स से, तो हाई पोटेंशियल सोर्स कितना है आपका, 10,000 से 30,000 वोल्ट, इतने पर जो है बाई कैथोड और एनोड हम फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिक इस डिस्चार्ज ट्यूब में। लेकिन यहां हम बना लेते हैं 2 वैक्यूम पंप, इसकी सहायता से प्रेशर को जो है ये अत्यंत कम कर लेंगे 10^-2 से 10^-3 mmHg के इक्वल कर लेंगे, और इसमें फ्लो करते हैं हम इलेक्ट्रिक।
क्या किया गया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया गया, इसमें गैसों को फुलफिल करके कैथोड और एनोड की सहायता से आपने हाई पोटेंशियल सोर्स इसे ऐड कर दिया और प्रेशर को वैक्यूम पंप की सहायता से मिनिमम करके यहाँ बाई कैथोड एनोड जब इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं तो यहाँ से निकलते हैं कुछ रेज। पहले तो आपका एकाएक अंधेरा हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है यहाँ से कुछ रेज निकलते हुए दिखाई पड़ती हैं और ये रेज जाती हैं किधर, एनोड की तरफ। और एनोड की तरफ जाने के बाद यहाँ कुछ ग्रीन कलर के, यहाँ जो है ग्रीन कलर के फ्लुएशंस जिसे कहा जाता है प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये चमक उत्पन्न करते हैं, तो चूंकि ये गैसों के आयोनाइजेशन के फलस्वरूप नहीं इनकी उत्पत्ति हुई वर्जिन हुई, बल्कि इनकी उत्पत्ति जो है वर्जिन कैथोड रेज से हुई है, कैथोड प्लेट से हुई है, नॉट रेज, कैथोड प्लेट से हुई, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया है आपका कैथोड रेज, या इसी कैथोड रेज को कहा गया है आपका इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर नाम है इन्फ्लुएंसेंस या फ्लोरोसेंस। जब किसी सब्सटेंस पर रेज पड़ती है तो इस रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वहां से वो रेज निकलती है और उत्पन्न करती है चमक। ये 10^-8 सेकंड तक होता है और अगर ये इफेक्ट हटा दिया जाए तो ये चमकना भी बंद कर देगा। अगर इसे हटाने के बाद भी चमकता रहे तो इसका मतलब है कि ये फोटोरेसेंस कहलाता है, लेकिन ये है फ्लोरोसेंस। तो ये यहां से टकरा करके प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार डिस्कवरी हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब में गैसों को फुलफिल करके कैथोड एनोड से हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर आप जो है और कम प्रेशर पर इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं तो देखते हैं पहले अंधेरा, आफ्टर सम टाइम यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं, यहाँ टकरा करके जो है फ्लोरोसेंस उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। ये कैथोड प्लेट से निकलती हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया कैथोड रेज और इनका नाम कह दिया गया है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने किया, सर विलियम क्रूक्स ने, और इसके एक्सप्लेनेशन किया कैरेक्टरों को सर जे जे थॉमसन ने। तो बात करते हैं आप साइंटिस्ट सर विलियम क्रूक्स एंड जे जे थॉमसन, टेक ये डिस्चार्ज ट्यूब फुलफिल गैसेस बाई वैक्यूम पंप एट द मिनिमम प्रेशर 10^-2 to 10^-3 mmHg कनेक्ट विद हाई पोटेंशियल सोर्स 10,000 to 30,000 बाई कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रिक फ्लो बाई कैथोड एंड एनोड आफ्टर सम टाइम डार्क इन डिस्चार्ज ट्यूब बट आफ्टर सम टाइम सम रेज फ्लो टू गो टू एनोड फॉर्म आर वर्जिन बाई कैथोड प्लेट इज कॉल्ड कैथोड रेज अदर वर्ल्ड कार्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये है आपका जे जे थॉमसन और सर विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके और बताया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इसके बाद देखते हैं हम लोग सम कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग देख रहे हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कैथोड रेज, कुछ कैथोड रेज के स्पेशल प्रॉपर्टी, कुछ स्पेशल फीचर्स, कुछ गुण हैं, विशेषताएं हैं, एप्लीकेशंस हैं कैथोड रेज के। पहली चीज हमने लिख लिया कैथोड रेज डिस्कवर्ड बाई सर विलियम क्रूक्स, इसकी डिस्कवरी किया है सर विलियम क्रूक्स ने। कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट
लाइन हमेशा कैथोड रे जो है एक सीधी रेखा में मूव करती है, चलती है। कैसे? जैसे कैथोड रेज के यहां जो है सामने हम रख लेते हैं एक माइका या जिसे अभ्रक कहा जाता है, इसका बना हुआ हम रख लेते हैं एक क्रॉस, एक रख लेते हैं आप यहां पर कोई सब्सटेंस। तो देखते हैं कि यहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है, इसी का यहां पर जो है आप देखते हैं शैडो बनता है, छाया बनती है, प्रतिबिंब बनता है। तो इससे पता चलता है कि ये ऑलवेज जो है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन मूवमेंट चलता है आपका, किसका? कैथोड रेज का। दूसरा कह लेते हैं हम, अगर इसके बीच में जो है रख दिया जाए एक क्रॉस, ये क्या है आपका? क्रॉस है, इसे कहा जाता है आपका पैडल व्हील। एक है आपका छेपड़ी पहिया, पैडल व्हील को रख दिया जाए तो ये जो आपके कैथोड रेज होते हैं ये जा करके इससे टकराते हैं, यहां रख लीजिए, ये जाके इससे टकराते हैं क्रॉस से, और धीरे धीरे करके ये इधर को घूमने लगता है, मूवमेंट करने लगता है। तो कहा जाता है कि कैथोड रेज जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्सों से मिलकर के बना होता है। तो यहां हम लिख लेते हैं कैथोड रेज मेड अप, कैथोड रेज मेड अप स्मॉल पार्टिकल। ये किससे मिलके बना है? छोटे छोटे पार्टिकल्सों से मिलकर के बना है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। कैथोड रे प्रोड्यूस्ड, कैथोड रे प्रोड्यूस्ड करता है हीट, ये जो है हीट उत्पन्न करता है। कुछ जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट के सब्सटेंस हैं, जैसे आपका टंगस्टन है, जैसे आपका मॉलिब्डेनम है, जब इन मेटलों पर इसे फ्लो किया जाता है तो फ्लो करने पर देखा गया कि ये इससे टकरा करके जो है उत्पन्न करते हैं हीट। तो कुछ नाम है जैसे आपका टंगस्टन है, जैसे मॉलिब्डेनम है, इन सब मेटल्स जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल हैं इनसे टकरा करके ये हीट का फॉर्मेशन करते हैं। कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड फ्लोरेसेंस, आपको बताया कि ये है आपका प्रतिदीप्ति, ये उत्पन्न करते हैं आपके चमक। जब ये कैथोड रेज यहां जाता है एनोड की तरफ तो कैथोड रेज को एनोड एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट होकर के चमक उत्पन्न करता है। कहा जाता है ये प्रोड्यूस्ड करता है फ्लोरेसेंस को। जब तक ये कैथोड रेज निकलेगा तभी तक जो है ये चमक यहाँ पर फ्लोरेसेंस यहाँ पर आपका दिखाई पड़ता है। तो कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड फ्लोरेसेंस, कैथोड रेज आर डिफेक्टेड बाई बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, स्क्रैचिंग हो जाता है, डिफेक्टेड हो जाता है। कैथोड रेज आयोनाइज, ये गैसों को आयोनाइज करता है। कैथोड रेज आयोनाइज द गैसेज विच दे आर पास, जब उनको उनमें से गुजारा जाए, गैसों में से अगर कैथोड रेज को पास करते हैं तो ये उसे आयोनाइज्ड करता है। और कैथोड रेज जो है ये पतले मेटल की चादर हो, परत हो, फाइल हो, उसे पेनिट्रेट कर सकती है, भेद सकती है। आप अगला कह सकते हैं कैथोड रेज जो होती है वो आपका
कैथोड रेज यूनी निगेटिव चार्ज, ये एक निगेटिव चार्ज वाली होती है, क्योंकि इसे जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो किया जाता है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो किया जाता है, तो ये चूंकि माइनस है, निगेटिव चार्ज है, ये ऑलवेज जो है पॉजिटिव की तरफ मूव करता है ड्यू टू एंटी चार्ज विद अट्रैक्शन, क्योंकि एंटी चार्जों के साथ होता है क्या अट्रैक्शन, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मेनी कैरेक्टर्स ऑफ कैथोड रेज, और इन्हीं कैथोड रेज का नाम सर विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर किया, कैरेक्टरों को, गुणों को, और स्पेशली गुणों को बताया है किसने, जे थॉमसन ने। डिस्कवरी किसने किया है, सर विलियम क्रूक्स ने। तो दो चीजें यहां पे याद रखेंगे, सर विलियम क्रूक्स ने आपका डिस्कवर किया कैथोड रेज का, प्रॉपर्टी एप्लीकेशंस इसके कैरेक्टर को बताया जे थॉमसन ने, प्लकर और गेसलर ने बताया कि अगर इसका मिनिमम प्रेशर कर दिया जाए तो ये भी इलेक्ट्रिक का होता है गुड कंडक्टर। तो ये है सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कैथोड रेज।